Hello everyone, as you know we are going to discuss class 7th recitation chapter is 0R, okay, and this is so much interesting story, so students you are requested to listen me carefully, and many students are telling that they are unable to understand explanation English to English, so today I will try to teach you in Hindi also, okay? So let's start. This is a science fiction. बेटा देखो जो चैप्टर हम लोग पढ़ जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है 0R, okay? चैप्टर का क्या नाम है 0R, okay? इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे एक साइंस फिक्शन, okay? साइंस फिक्शन ये होता है, फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, अ थाट विच इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन दैट इज नोन एज फिक्शन। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, एक लड़का है वो क्या करता है, विज्ञान की ढेर सारी बातें अपने दिमाग में कल्पना के रूप में सोचता रहता है। तो सीधी सी बात कह सकते हैं 0R जो हमारा है एक साइंस फिक्शन है, बट अ स्टोरी फ्राम अ यंग बॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं एक यंग बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन द ओपनिंग पैराग्राफ, आप अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में जिस उस बॉय का नाम, जिस जो ये पॉइंट ऑफ व्यू स्टोरी बनाया उसका नाम है बॉबी, स्टार्ट हिज डे लाइक एनी अदर स्कूल गोइंग चाइल्ड। ठीक है, जिस तरह से सारे स्कूल जाने वाले बच्चे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ऐसे वो बच्चा बॉबी है, और बॉबी क्या करता है अपने दिन की शुरुआत करता है लाइक अदर स्कूल गोइंग चाइल्ड, जैसे अन्य स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, हैविंग ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट लेता है एंड चैटिंग विद हिज मदर, ऐसे सारे बच्चे करते हैं, अपनी माँ से बातें करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ऐसे बॉबी भी ठीक उन्हीं बच्चों की तरह है जैसे सारे और बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं। व्हेन हिज मदर आस्क्स हिम अबाउट द प्लान, अब बात क्या होती है, बॉबी जो है वो एक जैसे कि बताया जाता है ये एक हमारा जो चैप्टर है साइंस फिक्शन है, तो बॉबी कुछ साइंस के बारे में प्लान बनाता है। तो व्हेन हिज मदर आस्क्स, जब उसकी माँ उससे पूछती हैं अबाउट द प्लान्स फॉर हिज डे, उस दिन का बताता, ये बताओ बेटा आज तुम्हारे दिन का क्या प्लान है, आज आपने क्या प्लान बनाया, क्या योजना बना रखी है। ही डज नॉट वॉन्ट टू शेयर हिज सीक्रेट, तो ये जो उसने प्लान बनाया था, प्लान किससे रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, उस प्लान को किसे शेयर नहीं करना चाहता था। स्टिल ही डिड नॉट लाइक टू शेयर विद हिज मदर आल्सो, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं शेयर करना चाहता था, वो सीक्रेट प्लान रहता है। बट देन हिज लव फॉर हिज मदर गेट्स द बेटर ऑफ हिम, लेकिन होता क्या है, उसकी माँ उसे बहुत मानती थी और एंड ही डिसाइड टू जस्ट शेयर अ पार्ट ऑफ सीक्रेट, लेकिन सोचा चलो पूरी तरह से तो हम नहीं बताएंगे पूरा अपना प्लान, लेकिन कुछ प्लान तो अपनी माँ को मैं शेयर कर देता हूँ। तो बट देन हिज लव फॉर हिज मदर गेट्स द बेटर ऑफ हिम एंड ही डिसाइड टू जस्ट शेयर अ पार्ट ऑफ सीक्रेट एंड ब्लर्ट्स आउट दैट ही वुड विजिट द मून। ठीक है, और वो बिना सोचे समझे ब्लर्ट्स आउट कह देता विदाउट थिंकिंग बिफोर टू से समथिंग दैट इज ब्लर्ट्स आउट। ही ब्लर्ट्स आउट दैट ही वुड विजिट द मून, उसने अपनी माँ से कहा मैं मून पे जा रहा हूँ, मैं मून पे जा रहा हूँ। हिज मदर डज नॉट टेक हिम सीरियसली, उसकी माँ उसकी बात का बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ली। ऑल्दो दे सीम टू बी इन सेक्लूडेड कॉलोनी, और एक सेक्लूडेड कॉलोनी में रहते थे आप साइंटिस्ट, उस कॉलोनी में ढेर सारे क्या रहते थे, वैज्ञानिक रहते थे। एंड हर हस्बैंड इज इन्वॉल्व इन अ ल्यूनर प्रोजेक्ट, ये भी ल्यूनर प्रोजेक्ट क्या है बेटा, ल्यूनर प्रोजेक्ट एक साइंस से रिलेटेड होता है, सॉरी। ठीक है, तो बॉबी के जो पापा रहते हैं यानी उसकी मम्मी के हस्बैंड, वो भी एक साइंटिस्ट होते हैं जो उस समय क्या है, इन्वॉल्व हैं ल्यूनर प्रोजेक्ट में। ओके, बात कुछ समझ में आ रही है।
ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। सो सी जोक्स टू बॉबी एंड आस्क्स हिम टू माइंड हिज मैनर्स। अब क्या होता है, वो बॉबी से कहती है कि अपनी आदत को सुधार लो, एंड नॉट टू फॉरगेट टू से थैंक्स, और तुम थैंक कहना मत भूलो। कोई अगर आपसे कोई बात कहता है, आपके लिए कोई काम करता है, तो आप उसे थैंक्स ज़रूर बोला करो। बॉबी टेक्स हिज सीक्रेट वेरी सीरियसली। अब बॉबी जो है वो अपना प्लान चूँकि पूरी तरह से मदर को बताता नहीं है, और जो बताता भी है उस बात को मदर बहुत सीरियसली लेती नहीं है, तो अवॉइड्स हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करता है। एंड इवन प्रिटेंडेड टू बी प्लेइंग विद हिज टॉय रॉकेट, और वो क्या करता है, उसका रॉकेट कटवाया होता है। टिल हिज मदर गेट्स आउट ऑफ साइट, तब तक उसकी माँ दूसरे काम में बिजी हो जाती, गायब हो जाती हैं, और वो लड़का चल देता है वहाँ से। ही री थिंक्स ऑफ व्हाट ही ओवर हेड एट द लैब बिटवीन हिज फादर। ही री थिंक्स, वो दोबारा सोचता है ऑफ व्हाट ही ओवर हेड एट द लैब। अब वो लैब में जब उसके पापा कुछ काम कर रहे होते हैं, तो लैब में अपने पापा की बातों को वो सुनता है, पापा उसके किसी से बात करते हैं। बिटवीन हिज फादर हु इज द सेकेंड इन कमांड इन द प्रोजेक्ट एंड फेलो साइंटिस्ट अबाउट सेंडिंग अ रॉकेट टू द मून। ओके, अब उसके पापा भी चूँकि लूनर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लूनर प्रोजेक्ट भी क्या है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे उनको रॉकेट को मून तक भेजना था। लूनर प्रोजेक्ट वॉज बेस्ड टू सेंडिंग अ रॉकेट टू द मून। ओके, यानी उसके पापा भी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे अदर साइंटिस्ट के साथ, जिसमें एक रॉकेट को मून पे भेजना था। ही प्रिज्यूम्स दैट हिज फादर वुड बी ऑन इट एंड प्लान्स टू अकंपनी हिम, और वो ऐसा सोचता है कि एक काम करते हैं, पापा भी मुझे अपने साथ रख लें और रॉकेट में मुझे भी इन्वॉल्व कर लें, ताकि मैं भी मून तक पहुँच जाऊँगा। बींग अ क्यूरियस चाइल्ड, चूँकि वो बॉबी जो था वो क्यूरियस चाइल्ड था, ही हैज़ फाउंड अ वे टू गेट इन टू द लैब। अब क्या करता है, वो लैब में जाता है, किसी को बताता नहीं। थ्रू व्हाट ही टर्म्स आई सीवर, और वहाँ पे एक सीवर बना रहता है, सीवर के टैंक में पहुँच जाता है। लॉन्ग वाइंडिंग अंडर कवर इंट्रेंस, ही इज रिसोर्सफुल एनफ टू फाइंड अ प्लेस, और वहाँ पे एक जगह ऐसे पा जाता सीवर में, ही कैन हाइड इन द रॉकेट, जहाँ पे रॉकेट बनाया जा रहा है उस रॉकेट में वो जाके छिप सकता था। द टेल हैज, तो बेटा देखो बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल ये स्टोरी हम लोग पूरा करते हैं। बट हाँ, आप लोगों से कल मैं ये स्टोरी जहाँ तक मैं बता दिया हूँ बॉबी के बारे में, वहाँ तक आज आप जरूर लर्न करोगे। टुडे योर होमवर्क इज दैट यू विल हैव टू लर्न द स्टोरी व्हिच योर टीचर हैव टॉट यू। ओके।